सर आपका नाम क्या है? जी डॉक्टर सुरेश सिंह चौधरी प्रियदर्शी। आज के प्रोग्राम के बारे में, आज के इवेंट के बारे में जहां हम आज आए हैं उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। जी आज का कार्यक्रम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव बेहद शानदार रहा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि शंभू शिखर जी और साथ में नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर थे और साथ में गांधीनगर विधानसभा के दिल्ली के विधायक अनिल वाजपेयी जी थे। यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा क्योंकि इसमें देश विदेश से लोग जुड़े और साथ में एक बहुत बेहतरीन इसलिए रहा कि सभी देश के सभी प्रांतों से लोग आए, सभी ने अपनी रचनाएं रखी और बहुत ही शानदार रचनाएं रखी। सभी लोगों को एक बड़ा हर्षित माहौल रहा, आनंद का पल रहा और डॉक्टर सत्यम भास्कर से लेकर सभी लोग दिल्लीवासी सभी लोग आए यहाँ पे, बहुत ही आनंदित वाला पल रहा। साथ में यह बेहद सक्सेसफुल प्रोग्राम था क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम होना और इसमें दो पुस्तकों का विमोचन, जो एक श्री राम पर आधारित है, श्री राम को समर्पित है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उसी तरह के मानुष, ऐसे मनुष्य जिन्होंने सभ्यताओं को बदलने की कोशिश की, सभ्यता में अनुशासन और एक संस्कृति और राष्ट्र के लिए सुरक्षा के लिए कार्य किया, उनके प्रति समर्पण का भाव रहा, तो यह कार्यक्रम ओवरऑल बहुत खूबसूरत रहा। और इसके बाद मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर सत्यम भास्कर कुछ बता सकते हैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम के बारे में, कैसा लगा आपको आज यहाँ आके? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। और ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा इसलिए है कि ये इसका नाम है इंटरनेशनल लिटरेचर, मतलब कि दुनिया की तमाम जितनी भाषाएं हैं उसके जितने भी साहित्यकार हैं इसमें सम्मिलित होकर अपनी रचनाओं की प्रस्तुति कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को जितने भी मतलब दर्शक हैं उन तक और वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसी की कड़ी में मैं भी आया, हमारे जो कैमरामैन हैं इनका मैं जो बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि इनकी बदौलत हमें आप देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, और जितने भी दर्शक देश के कोने कोने से आए उनका मैं साधुवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आज के ही दिन पिछली साल हुआ था, ठीक दूसरा ये हम सम्मेलन को मतलब एक कहें तो फिर से आयोजित किया गया और हम इसमें शामिल हुए और सब ने अपनी अपनी अलग अलग विधाओं में अलग अलग भाषाओं में जो कविताएं सुनाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगी इस प्रोग्राम के बारे में, आज आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं मणि प्रभा त्रिपाठी, इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में हमारे जो डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर साहब, उनको मैं पहले तो बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है और विभिन्न प्रांतों से लोग आकर एक पुष्प गुच्छ की तरह यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हुए और अपनी अपनी अंतरात्मा के अभिव्यक्ति को उन्होंने किया यहाँ पर, वो देख कर मन गदगद हो गया पहली बात तो, और इतने सारे हमको साथी मिले। दूसरा जो उन्होंने जो आज जो मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया है मैडम, जो मैंने पेड़ लगाने वाला जो बीड़ा उठाया है उसको मेरे राज्य में अप्रिशिएट नहीं किया गया, किया गया होगा लेकिन राज्य स्तरीय मैं मंच पर पहुंच नहीं पाई और आज राष्ट्रीय मंच पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अच्छा काम यदि करते हैं तो वो कभी पानी में नहीं जाता। यदि आप परहित सरिस धर्म नहीं दूजा, परहित के लिए यदि करते, इस कोरोना काल में मैंने जो 70,000 पेड़ लगाए और जो मेरे विद्यालय की बंजर भूमि को बगिया बनाया उसको मेरा ही विभाग कहीं नजरअंदाज करता है, बड़े बड़े डायरेक्टर आते हैं, बढ़िया खाते पीते, खूब पीठ ठोकते, खूब तारीफ करते हैं, बट लोगों को प्रेरणा देने के लिए यदि मुझको वहाँ पुरस्कृत किया जाता तो लोग उसको देखकर सीखते। आज इस मंच के माध्यम से जो मुझको उन्होंने नेशनल एजुकेशन अवार्ड जो दिया है वह मैं शत शत नमन करती हूँ इस मंच को, क्योंकि ये पूरे नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर मेरा विद्यालय जाएगा और लोग अभिप्रेरित होंगे, मेरे जैसे अनेक शिक्षक अनेक लोग अभिप्रेरित होंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। देखिए कोरोना फिर आ रहा है तो कोरोना को हम पेड़ लगाकर भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आप लोगों का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर भी हमारे साथ आ चुके हैं, सर आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारा आज का इवेंट के बारे में। मैं राम रतन श्रीवास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले मैं आदरणीय सुरेश सौर्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने PIU ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे
पदाधिकारी हैं जिसमें विक्रम सिन्हा जी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महक जी का भी धन्यवाद दूंगा जो इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। प्रकृति को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, साहित्य और प्रकृति यदि एक साथ है तो निश्चित तौर पर हमारे देश का विकास होता रहेगा। मैं इतना ही कहूँगा प्रकृति के लिए, हरे भरे हो वन उपवन, प्रसन्न रहेगा मानव मन, बढ़ते रहे भारत हमारा, शुद्ध रहेगा वातावरण, शुद्ध रहेगा वातावरण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी लाइनें बोली आपने। मैम आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी अग्रवाल गाजियाबाद से आप सभी को इस सफल कार्यक्रम की हार्दिक बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। और सर सुरेश जी को हार्दिक आभार और उनसे आशा करती हूँ कि आगे भी नए नए और वरिष्ठ सभी साहित्यकारों को मौका देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा दिल्ली से, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुरेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उम्मीद थी अच्छा होगा लेकिन उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हुआ, बहुत बेहद खुशी हुई। ये सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं वरन हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको भी यहाँ जोड़ने का प्रयास किया गया। सिर्फ साहित्य को साहित्य की तरह से न जोड़ कर सनातन धर्म को भी इसके साथ एकाकार करके अगर कार्य किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे साथ एक और मैम जुड़ चुकी हैं। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद बताइए आज का इवेंट आपको कैसा लगा। मैं खुशबू कुमारी सिवान बिहार से आई हूँ। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर सुरेश सर के सहयोग से जो इतना खूबसूरत मंच साझा किया गया हम सभी कवि गण साहित्यकारों के लिए, वो बहुत ही बेहद ही उम्दा रहा। और यहाँ पर आए सभी अतिथिगणों से, सभी कविगणों से सुंदर सुंदर कविताएं, विभिन्न प्रांतों की प्रमुख बातों को हमने जाना, एक दूसरे से विचार साझा किए और बहुत ही सफल आयोजन रहा। इसके लिए मैं पूरे मंच को तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आ चुकी हैं महक, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इस इवेंट का पूरा मैनेजमेंट भी संभाला और आपको यहाँ अवार्ड भी दिया गया यंगेस्ट का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Well, first of all, thank you so much for giving me this huge opportunity to actually stand here in front of many people out there. So first of all, I would like to thank PIU Trust, my very much hardworking sir, and with that, our founder Vikram sir. Without all of them, this event could not have been possible. Shayad kehte na unity in diversity. Well, this quote goes here for all of us because यहाँ पर सिर्फ अकेले ही हम काम नहीं कर रहे हैं, एक के साथ एक दिन रात मेहनत में लगे हैं कि जो भी कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं उसे हम पूरे अच्छे दिल मेहनत के साथ सक्सेसफुल बना सके। बात रही नेशनल लिटरेरी अवार्ड जो मुझे मिला है, उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर मिसेस दीपिका चावला एंड माई ग्रैंड मदर मिस सुरेश चावला। विदाउट देम आई वुड नॉट हैव बीन रीच्ड हेयर। सारा हार्डवर्क लाइक जिन रात मैंने अभी तक जितने भी अवार्ड लिए हैं लाइफ में, दीज आर बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट। विदाउट देम आई एम नथिंग। और सर जैसे लोग ही हैं जो मुझे आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देते हैं। थैंक यू सो मच, आज का इवेंट वॉज मोर देन सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और एक बार फिर से सर आ चुके हमारे साथ जिन्होंने आज का कार्यक्रम यहाँ पर पॉसिबल किया है, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ हैं। सर से पूछेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं कहता हूँ कि विदाउट द तलवार एंड द महक एंड द विक्रम एंड अदर्स एंड राही फाउंडेशन इट वाज नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज सच इंटरनेशनल फंक्शन इन दिल्ली। सो इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी ग्रेट मोमेंट, प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड ऑल टुगेदर। सो मैं चाहूँगा कि फिर से हम अगले साल हम इस कार्यक्रम को करें, तब तक के लिए हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता को भी सेलिब्रेट करना साथ ही साथ बहुत जरूरी है। माफ करना मुझे, मैं सीधा ना बन पाऊंगी।
जिम्मेदारियों से अपने कदम तुम हटा लो, कि नहीं कहती जिम्मेदारियों से अपने कदम तुम हटा लो, किंतु किंतु जिम्मेदारियों में बंध कर तुम्हारे द्वारा किया गया मेरा ये त्याग ना सह पाऊंगी। तुम हो जाना चाहे कितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माफ करना मुझे, मैं सीता ना बन पाऊंगी। सवाल यह उठता है, अगर मनुष्य बनाने का इंस्टीट्यूट नहीं कहीं है तो फिर हमारी ये धरोहर आगे कैसे बढ़ेगी, हमारे भीतर की इंसानियत कैसे आगे यात्रा करेगी। उसी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की संगोष्ठियां हो, इस तरह की गोष्ठियां हो, आप लोग घरों से निकल करके आए, एक दूसरे से मिलें। जब मिलेंगे तो एक दूसरे के मन को समझेंगे, एक दूसरे की तकलीफ को समझेंगे, और जब हम किसी की तकलीफ को समझने लग जाते हैं तो यकीन मानिए कि वहीं से हमारी इंसान बनने की पहली प्रक्रिया शुरू होती है। ये जो साहित्यिक गोष्ठी है ये मनुष्य बनाने की पहली सीढ़ी है और आखिरी सीढ़ी भी यही है। ऐसा नहीं है कि पहली सीढ़ी यहाँ है और अगली सीढ़ी कहीं और हो, पहली और आखिरी सीढ़ी मनुष्य बनाने की इस तरह के साहित्यिक संस्थान है। इसलिए जब भी कभी मौका लगे आप लोग इस तरह के साहित्यिक अनुष्ठानों से जुड़े और कोशिश करें कि सिर्फ तन से नहीं, मन से ही नहीं, बल्कि धन से भी अगर संभव हो सके तो इस तरह के, क्योंकि ये वो पीढ़ी है, जितने लोग यहाँ पर हैं आप सबके ऐसी तमाम चीजें हैं कि आप लोग जो लिखते हैं, लिखने वाले कम से कम उन लोगों का ध्यान जरूर रखें जो दूसरे लोग लिखते भी हैं और लिखने वालों को जोड़ते हैं। तो हमारी जो साहित्यिक संस्था है यह लिखने वाले लोगों को जोड़ने का एक प्रयास करती है, और इसीलिए सुरेश भाई मैं माइक से बता रहा हूं आपको, एक बार आप चाहे तो सुरेश जी से पूछ सकते हैं। व्यावसायिकता के इस दौर में जबकि हिंदी कवि सम्मेलन अब उतने सस्ते नहीं रहे, उतने आसान नहीं रहे, आप लोग लगातार YouTube सोशल मीडिया पर देखते होंगे हमारे कवियों ने 15-15 लाख रुपए तक कवि सम्मेलनों में डॉक्टर कुमार विश्वास लेते हैं, 4-5 लाख रुपए देने लगते हैं। मैं भी एक तरह से कुछ महंगे कवियों में आता हूँ, लेकिन सुरेश जी का जब भी फोन आया, जब भी उन्होंने कहा कि आपको इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम में आना है, मैंने इनसे कभी भी अपनी कोई भी शर्त नहीं रखी। मैंने कहा कि आपने बुलाया, मैं समय निकाल के जरूर आऊंगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो काम ये कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं इतने लोगों को जोड़कर, इन सब के साथ संपर्क में रहकर, इन सभी लोगों को प्लेटफॉर्म दिलाकर, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो रूबरू हो सामने एक दूसरे के साथ बैठकर, और फिर इन सबके लिए चाय की भी व्यवस्था करके, पूरा लंबा प्रोग्राम चलेगा तो खाने की भी व्यवस्था होगी, सब चीज होगा ही, फिर इस हॉल का खर्चा तमाम तरह से होगा, स्वागत में आपने इतना बड़ा बुके दे दिया, इन सब चीजों का खर्चा होता है। तो आप लोग से निवेदन में ये भी करूंगा कि कभी भी मौका लगे तो आर्थिक रूप से भी इस तरह की, क्योंकि ये हम लोगों की अपनी संस्था है, ये अपनी संस्था इसलिए है क्योंकि देखिए ना, छोटे छोटे एनजीओ इतने सारे लोगों के लिए कुछ करती है, कोई दिव्यांग के लिए काम करती है, कोई बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ के लिए काम करती है, कोई महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, उसको फंड देने के लिए सरकार की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, लेकिन साहित्यिक अनुष्ठान के लिए आप लोगों में से कितने लोगों ने कराने की कोशिश की हो, क्या आप लोगों को कभी भी सरकार की तरफ से एक रुपये का भी अनुदान मिला? कभी नहीं मिला। तो ये काम कैसे हो? ये काम हम लोगों के अपने खर्चे से ही होगा। तो एक तो ये निवेदन करूंगा कि आप लोग इस तरह से जुड़े, कुछ 2-3 मिनट की मैं कविताएं आप लोगों को सुना देता हूं। मैं एक हास्य कवि हूं, आप सब जानते ही हैं, अक्सर टीवी चैनलों पर मैं आता रहता हूं। आज का दिन लोग सेंटा क्लॉज बने हुए घूम रहे हैं, मैं 4 लाइनें आपको लगे कि मैं बिल्कुल ठीक सुना दिया आप लोगों को।
मन के मलंग मस्त फकीर है, मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, सच बोलते यहाँ पे कबीरों का देश है। हम विश्व गुरु दुनिया में कहलाते हैं, क्योंकि सेंटा का नहीं अपना तो संतों का देश है, सेंटा का नहीं अपना तो संतों का देश है। तो ये देश जो है, दरअसल 5-6 दिनों से मैं बहुत बीमारी से गुजर रहा हूँ, बुखार और सर्दी जुकाम तमाम चीजों से, लेकिन कार्यक्रम में अगर आपकी एक बार कमिटमेंट हो जाती है तो वहां पहुंचना भी एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो देश है ना, ये बड़ा ही अद्भुत देश है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। ये जो चीते आए थे भारत, आप लोगों को पता होगा, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा कि तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लग रहा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में नहीं जाए। अभी कल ही दिल्ली में भारत रोको यात्रा थी, 3 घंटे तक मैं एग्जाम में रुका रहा। सच बता रहा हूँ, 3 घंटे तक एग्जाम में रुका रहा, और उस जाम में खुद, क्योंकि मैं सेल्फ ड्राइव पे था, इतनी बार मुझे क्लच और ब्रेक दबाने पड़े कि मेरे जोड़ों में दर्द हो गया। तो मैंने कहा भारत जोड़ों का क्या हाल हुआ, 3 घंटे में मेरे ही जोड़े बोल उठे। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बीच चुनाव में कांग्रेस वालों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा ध्रुव का इक्का है। तो मैंने कहा अब तक तुम जोकर से खेल रहे हो। लेकिन राजनीति पे अगर आप कभी टिप्पणी करें तो बैलेंस का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। तो हमारा देश सचमुच अद्भुत है। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, आप सब जानते हैं बिहार अपने आप में एक अद्भुत जगह है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, उद्घाटन की जिम्मेदारी। पहले लोग से दिल पाते यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लू। और मैं आपको सच बताऊं, देखो हंसने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यार ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, मिठाई कैसे मंगवाइए? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से एक कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज आने लगी। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पे के लिए 4, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई दी। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, कलाकंद लेने के लिए मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोती चूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4, मुझे बेसन के लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई, 1 गवाना था गलती से 4 दवाइयां। मैंने वही किया जो आप लोग भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गए, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, मैं बिहारी आदमी जब लगे फंस गया तो क्या करें। बोले कि नहीं जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता है, लेकिन घर में हम 9 भाई हैं,
सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए दो दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए तीन दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दवा दी जाइए, दवा दी जाइए। हास्य जो है वो हमारे आसपास ही बिखरा पड़ा है। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन आपको बहुत हंसा सकती है। जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख दिए जाएंगे, कहा था, सबने सुना था। मैंने भी मोदी जी से पूछा, मोदी जी 15 लाख कहाँ दिए? बोले देखो आज से 5 साल पहले अयोध्या में 3 लाख दिए एक साथ जले, उसके अगले साल भी 3 लाख दिए, 5 साल में 15 लाख दिए कि नहीं दिए? मैंने कहा जी बिल्कुल दिए। तो ऐसे ही है, पिछले दिनों एक व्यक्ति से पूछ लिया, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि भाई ये माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे उसे माल्यार्पण कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपने मैं 2 मिनट आप लोग के बीच में मात्र और हूँ, कुछ कहना चाहते हैं? तो चांद तक भी जा सकती है, बात यही होता है उसकी बात माननी होती है। मैं 2-4 लाइनें आपको और सुना देता हूँ। बहुत अस्वस्थता में आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो 4 ये लाइनें सुनिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी थी, अभी आपको याद होगा पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी, एक सलाह ट्रंप को मैंने दी। मैंने ट्रंप को क्या कहा कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। लेकिन वो माना नहीं, आ गया घूमने, अब घूमा भी ऐसा कि आगरा चला गया। मैंने इस मानसिकता पर, इस पलटने की मानसिकता पर 4 महीने लिखी। 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई वो 30 की तरह, वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई। अच्छा नए साल बस अंग्रेजी नया साल 3-4 दिन बाद ही आने वाला है, लोग बड़े खुश हैं सुरेश भाई, लोग बड़े खुश हैं। मैंने उनकी खुशी जानने की कोशिश की कि आखिर इतने खुश क्यों? कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा, लोगों की खुशियां देख कर ये लग रहा हमें इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा, इस बार साल ही नहीं साला भी बदले। कितना अच्छा हो कि हर साल साल और साला दोनों बदल जाए। हाँ नहीं नहीं फिर आपका भी मायका बदल सकता है। 4 लाइनें और सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल नई 4 लाइनें हैं कि हमारा देश कितना अद्भुत है। ये 4 लाइन बिल्कुल नया सुनिएगा, इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, और संख्या बिल्कुल भले ही कम है लेकिन आप एक चीज मान के चलिए, जीवन में अच्छे लोगों की संख्या आपको हमेशा कम ही मिलेगी। और ये आज से नहीं, द्वापर युग में भी पांडव सिर्फ 5 थे, कौरव जो थे वो 100 थे। अच्छे लोगों की संख्या हमेशा कम मिलेगी। तो आप जब भी मैं कभी कम लोगों के बीच में बात करता हूं तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं कौरवों के बीच में नहीं पांडवों के बीच में सुना रहा हूँ। ज्यादा भीड़ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कौरवों को सुना रहा हूँ। तो आप जितने भी लोग हैं वो सब मेरे लिए बिल्कुल पांडव की तरह हैं,
ये तो शुक्र करो कि आप लोग इतनी संख्या में आ गए, अगर मुझे एक श्रोता मिलता तो मैं उसे भी 18 अध्याय सुना देता। हमारे और गणमान्य आए सर, आइए आइए। दरअसल कार्ड में लिखा था कि कृपया उचित समय पर भाग लें। तो वो कोने से ही देख रहे हैं कि अभी हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि भाग लेना है। अर्पण किए जाए। दंगा करके उसको कोई उनको उधर घुसने का
हिम्मत नहीं दिखाया ऐसे बंगाल का पंडित जी का। मैं उन जगह दौरा किया है उसी टाइम से कमीशन को, वो लोग को पता नहीं था, कोई अधिकारी मेरे सामने जिसको कंपल्सरी अटेंडमेंट दिया था मेरे सामने कोई हाजिर नहीं हुआ था। कल मैंने उनको पहले नोटिस भेजा था, नोटिस में नहीं आया, समन भेजा था, समन भेजने के बावजूद भी वो लोग बहुत कोशिश किया था कमीशन को अवॉइड करने के लिए। लास्ट में जब रात 7 बजे उनको मेल भेजा है जाकर कमीशन के सामने आप लोग नहीं आएंगे तो आर्टिकल 330 प्रिवेंशन ऑफ एक्ट लगा के आपका अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल देंगे। ये जब मेल उनके पास चला गया कल दिखाया कि सुबह 3 लोग आकर हाजिर हो गए कमीशन में। इस बार का कमीशन का ताकत है और उन लोगों के माध्यम से जिसको जिसको उन लोग इंटरसिटी वायलेट किया है सब काम करके मैंने देखा है। ये पहले बार कमीशन चल रहा है, इसके पहले कमीशन था, कमीशन इसके पहले 30 साल था, लेकिन काम करने का तरीका मैंने एक सबको बता रहे, जो काम लोगों से दिल से करता है वो काम के लिए कोई रुकावट करने का हिम्मत दर पे नहीं रहता है। काम जो लोग आप कभी साहित्य मेरे सामने बैठा है आप लोग मैं जानते हैं कि कितना सेंसिटिव इशू में आप लोग काम करते हैं, बहुत सारे मन का भावना को आप लोग सामने लेकर आता है और उस भावना को लेकर बहुत सारे लोगों को मन में भी बहुत सारे गलत में पैदा होता है। जो साहित्य कवि इन लोगों का मन में जो स्वाधीनता होना चाहिए, इसका मन से जो लिखना है लिखने का चाहिए, सब स्तर पे उनको फ्रीडम होना चाहिए और फ्रीडम नहीं होता है तो किसी को दबा लेके और आपका मन का भावना को लेकर समाज एक जगह में जा सकता है, समाज आगे चल सकता है। मैं जो कवि साहित्य काम करने समाज के लिए काम कर रहे हैं दिल से गहराई से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता है। जनता इसमें भी बहुत सारे कमी बहुत सारे आप लोग अवस्ट्रेशन आता है समाज में, आप लोगों के ऊपर भी बहुत सारे दबाव चलता है, उसके बावजूद भी आप लोगों के लिखने का जो शक्ति लिखने का जो क्षमता ये समझता देखा कि समाज आगे ले जाता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि हम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सभी लोग जो उठ गए हैं वो प्लीज बैठ जाए अपनी अपनी कुर्सियों की बेटी बांध लें क्योंकि आज का ये जो खूबसूरत इवेंट है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं अब स्टेज पर बुलाने वाली हूँ डॉक्टर सुरेश सिंह शौर्य जी को जो कि एक कवि हैं, लेखक हैं। सुरेश सिंह शौर्य जी सुप्रभात, आप सबका नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि विदित है कि वाल्मीकि जी की जयंती है और मैं उन्हीं की एक रचना से स्टार्ट करूंगा, शुरुआत करूंगा। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो जैसा कि विदित है कि यह हमारा जो आज कार्यक्रम है तो मैं सर्वप्रथम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूँ अरुण हल्दार जी जो SC/ST कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के अधिकारी हैं। और साथ में ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कार्यक्रम है हमारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव इसका विजन और मिशन क्या है। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम केवल ना साहित्य के कार्यक्रम करते हैं बल्कि हम अपने अतीत के साथ जुड़ते हैं, जो हमारा स्वर्णिम अतीत था उसके साथ हम जुड़कर वह साहित्य के माध्यम से उस तक पहुँचने का हमारा एक लक्ष्य है। इसलिए आप देखेंगे कि कहीं भी हमारा कार्यक्रम होता है तो वहाँ हम उसके अतीत के कालखंड के साथ जोड़कर साहित्य को लेकर आते हैं आपके बीच। इसलिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव एक इसका एक भी उद्देश्य है कि हम महाभारत या जो हमारा अतीत का काल था जिसे इंद्रप्रस्थ यहाँ कहते हैं या इंद्रप्रस्थ की राजधानी इंद्रप्रस्थ था और महाभारत काल में यह राजधानी थी पांडवों की और जिसे आज लाल किला कहते हैं वो कभी इंद्रप्रस्थ की राजधानी हुआ करती थी। तो अनंत पाल से उन्होंने ये फिर उसी सबसे पुराना एक देखे कि किले के रूप में वो विकसित हुआ था। तो इस महोत्सव के जरिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम कैसे अतीत के साथ साहित्य के जरिए पहुंच पाए जो बहुत ही स्वर्णिम काल था और उस स्वर्णिम काल के साथ हम जुड़कर साहित्य के जरिए पूरे विश्व तक हम जो विश्व गुरु हमारा जो उद्देश्य है जो हमारा आज की सरकार की भी और हमारे सभी लोगों की भावनाएं हैं
कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनना चाहिए, उस ओर हम कदम रखे हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे पूरे देश में कार्यक्रम होता है और हम हर जगह अतीत के साथ साहित्य को जोड़कर और इसे एक नए रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम विश्व गुरु की जो कल्पना है उसको हम उसका हम पूर्णतर उस रूप में हम लेकर आए भारत को। इसीलिए देखेंगे कि हमारा जो ट्रस्ट है पार्श्व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट, यह और भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसी तरह जैसे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हमारे विश्वविद्यालय है उसके साथ भी हम मिलकर एक नालंदा साहित्य महोत्सव अगले साल करने जा रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि हम नालंदा की शिक्षा व्यवस्था से तो हम जुड़ चुके हैं नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मगर वहाँ जो साहित्य था अतीत का काल था, अतीत का स्वर्णिम काल था, जिसके कारण से पूरे साउथ ईस्ट एशिया और विश्व के अन्य प्रांतों से लोग पढ़ने आते थे, देशों से पढ़ने आते थे, तो उनके साथ साहित्य के जरिए और उस कालखंड के जरिए और उस शिक्षा का जो अकूत भंडार था, जो खजाना था, उसके साथ हम जुड़ सकते। इसलिए पार्श्व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट स्वयं में एक ऐसा ट्रस्ट है जो भारत के विकास के लिए, भारत को किस तरह विकसित किया जाए और इसको विश्व गुरु बनाया जा सके, इसके लिए कार्य कर रही है। तो हमारा सिर्फ एक साहित्य उद्देश्य नहीं है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसके जरिए हम अतीत के कालखंड से जुड़कर स्वर्णिम भारत के उद्देश्यों को पूरा करने जा रहे हैं। तो एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत, सबसे सुंदर भारत और विश्व गुरु वाला भारत बने, यही कल्पना हमारे मन में है और इसी को कार्यान्वित करते हुए हम इन छोटे छोटे महोत्सवों के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं और पूरे विश्व को, विश्व में अपनी छाप जो पुरातन छाप थी उसको पुनः से हम एक तरह से प्रमाणित करने का कार्य कर रहे हैं और ये हम करते रहेंगे। तो मुख्यतिथि जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो ट्रस्ट है इसी तरह साहित्य के जरिए जो अतीत का स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम इतिहास था, उसके साथ जोड़कर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आप सबको यहाँ देखकर और दिल्ली की खुशनुमा सुबह में देखकर बड़ा खुश हूँ। एंड कवि कुशवंत सिंह ने कहा था कि यह भी बड़ी खूबसूरत जगह है, विश्व की बहुत खूबसूरत, यहाँ की सर्दियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो उसी तरह आप सब भी हैं और दिल्ली में आप सबको देखकर अच्छा लगा और पुनः आप सबका पार्श्व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट की ओर से स्वागत करता हूँ, मुख्य अतिथि महोदय का भी स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज की जो हमारा कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे स्वर्णिम जुड़े सबके साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं चाहूंगी कि आप यही रहे क्योंकि बुक लॉन्च यहाँ पर होना है, तो जो कि आपने ही कर रहा है, मैं चाहूंगी जोरदार ताली से एक बार फिर से सर का स्वागत कर रहा है क्योंकि आज यहाँ पर दो बुक्स लॉन्च हो रहे हैं। एक का नाम है श्री राम भारत वर्ष खंड 1 एंड सेकेंड का नाम है ग्लोबल साहित्य मंजरी 2। जोरदार तालियां बजाएगा अगर चाहूंगी बुक लॉन्च करना पर किया जाए। विक्रम जहां हो प्लीज आ जाए, विक्रम जहां भी हो प्लीज। सर बुक पकड़िए, फोटोग्राफ प्लीज।
साइड में आ जाए प्लीज। सर आप बार बार क्यों आ रहे हो? ठीक So, ladies and gentlemen, Dr. Shivani ji and Satya Prakash ji हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच। मैम सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, तहे दिल से हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोइंग टू डू द अवार्ड फैसिलिटेशन। हम लोग नेशनल लिटरेरी अवार्ड यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं एंड मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है उनको बुलाने वाले हूँ स्टेज पर। एंड उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी स्टेज को बुलाना रक्षा जी, आप आ जाए स्टेज पर। इनके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, बट उससे पहले मैम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक मोटिवेशनल सॉन्ग हमारे बीच, हमारा प्यारा सा बैंड है हमारे बीच, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जो भी
सबसे कैसा अच्छा सम्मान है, कैसी कश्मीरियत है जहाँ हर विशाख हर नौजवान है। यह कैसा अधिकार है, यह कैसा छद सम्मान है, कैसी कश्मीरियत है जहाँ विशाख हर नौजवान है। ननी हालों के हाथ कलम नहीं हथियार है, ननी हालों के हाथ कलम नहीं हथियार है। यह कश्मीरियत नहीं कश्मीरियत का घोर अपमान है, यह कश्मीरियत नहीं कश्मीरियत का घोर अपमान है। चीड़ चिनार देवदार पर अपना उगता चांद है, इस पर सभी का दाद चाहूंगा। आप सब कृपया जरूरी इस पर दाद दें, इस पंक्ति पे। चीड़ चिनार देवदार पर अब न उगता चांद है, साजिशों से तुम्हारी यह जन्नत आज लहू लुहान है। यह कैसी कश्मीरियत है जहाँ हर नौजवान विषाक्त है। अब अगली पंक्ति, कश्मीरियत के नाम पर जिहाद करते हो, कश्मीरियत के नाम पर जिहाद करते हो, क्या यही नूरे जन्नत कश्मीरियत की पहचान है। क्या यही नूरे जन्नत कश्मीरियत की पहचान है। अगली पंक्ति, नस्लों को किया बर्बाद, नस्लों को किया बर्बाद, जिहाद का जहर डाला उनमें, इन्हीं नापाक साजिशों से मासूमों के कब्र के निशान हैं। क्या यही कश्मीरियत की निशान, क्या यही कश्मीरियत का निशान है। अगली पंक्ति, बहुत कर लिया तुमने जिहाद की खेती, अब भी आओ बैठो, शांति का अंतिम आह्वान है, शांति का अंतिम आह्वान है। यह युद्ध नहीं बुद्ध की धरती महान है, यह युद्ध नहीं बुद्ध की धरती महान है। न भूलो तुम यह काली की भी धरती महान है। इस पंक्ति के दाद जाऊंगा, आप सुने कि यह युद्ध नहीं बुद्ध की धरती है, ना भूलो तुम यह काली की भी धरती महान है, और अब और नहीं, ना ललकारो इस ना मां भारती को, युद्ध भी होगा अगर युद्ध ही एकमात्र समाधान है, युद्ध भी होगा अगर युद्ध ही एकमात्र समाधान है। यह कैसा अहंकार है, कैसा छत्र सम्मान है, कैसी कश्मीरियत है जहाँ विषाक्त हर नौजवान है, जहाँ विषाक्त हर नौजवान है। धन्यवाद। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां फॉर एवरीवन। और आर्यन हमारे बीच में, मैं हमारे सारे बैंड के मेंबर्स को बुलाना चाहूंगी, उनको मोमेंटो अवार्ड दिया जाए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाए। और हमारे चीफ गेस्ट को भी मोमेंटो दिया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ एवरीवन। और अब बुलाने वाले हैं स्टेज पर संकेत पांड्या जी, जो कि अभी हमारे बीच नहीं है। उसके बाद अब मैं स्टेज पर बुलाने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, संकेत जी आ चुके हैं। संकेत जी के बारे में मैं आपको बता दूं, इनको हम अभी इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये इनको जेएनयू जाना है, जेएनयू में इनका एक इवेंट है, वो करने इन्हें जाना है। साथ ही साथ मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है इन्होंने, मैथ्स में ऑनर्स किया है। साथ ही साथ प्रोफेशन है इनका एंटरप्रेन्योर, साथ में फाउंडर है एंड सीईओ है mathbobs.com के, अगर आपने नाम सुना हो तो। साथ ही साथ इनके फर्स्ट पोयम रिसीव है, मैं चाहूंगी पुष्प के साथ सर का स्वागत किया जाए, मैं चाहूंगी तालियां बजती रहे। जय हो।
क्या बात है, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे के लिए। जैसा कि विधि है और हम सब स्वागत करते हैं गांधीनगर विधानसभा के माननीय विधायक जी अनिल वाजपेयी जी। और जैसा कि विदित है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक पुण्यतिथि है, तो हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के जरिए हम सबसे मुखातिब हो रहे हैं आप सबसे। और मैं चाहूँगा कि उसी इस शुभ दिवस पर आज श्री राम जी का की पुस्तक जो हमारे द्वारा प्रधान संपादक के रूप में लिखी गई है और एक साहित्य मंजरी है जिसका विमोचन किया जाए सर के हाथों से, तो एक बहुत बड़ा एक गर्व का अवसर है और हम सब इसी का इंतजार कर रहे थे। और सर सर ने यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में विमोचन कार्यक्रम के लिए हम तैयार हो रहे हैं। थैंक यू सर, आपका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप अपने कीमती वक्त से यहाँ पर समय निकाल के आए और यहाँ पर हमारे बुक लॉन्च में हमारी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि पर एक बेहतर और इससे अच्छा समर्पण नहीं हो सकता हमारे लिए। इस राम जी पर एक पूरी पुस्तक जो मेरे द्वारा प्रधान संपादक के रूप में रचा गया है, तो ये बहुत ही एक सुखद अवसर है। और पुनः सर से निवेदन करूंगा कि एक ग्लोबल साहित्य मंजरी है जिसमें विविध रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, तो उस पुस्तक का भी विमोचन सर के हाथों से हो। चाहूंगी धीमे धीमे तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही सुनहरा पल, बहुत ही पॉजिटिव पल यहाँ पे आए सभी अतिथिगणों के लिए, पूरे परिवार के लिए। हमारा ये जो छोटा सा परिवार है जो आज यहाँ पर उपस्थित है, तो आज मुझे भी बहुत, मैं हर्षित हूँ, बहुत खुश हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये दो कृतियाँ हम इनको समर्पित कर रहे हैं। जो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम इसलिए कहा गया कि उनमें एक स्वर्ग, एक अनुशासन और एक कहते हैं कि सबसे खूबसूरत पति भी थे और सबसे अच्छे मानव, तो यह गुण सब में होना चाहिए और उसी तरह हमें भी उनका अनुकरण करने की आवश्यकता है। तो यह दो कृतियाँ एक समर्पण के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समर्पित है। निश्चित रूप से यह पुस्तक आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ अपना योगदान दे सके, यह मेरे लिए अपने आप में एक बड़ा गर्वित अनुभव होगा बाद में चलकर। साथ में मैं चाहूँगा कि आज की जो ये ग्लोबल साहित्य मंजरी है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसमें सभी देश विदेश के रचनाकारों की रचनाओं को जगह दी गई है और यह किताब इसलिए लाई गई ताकि हम आज जो ग्लोबल विलेजेस जो संकल्पना है जिसमें हम सब कोई देश प्रदेश के नहीं हैं, सब एक, तो उनकी सभी की रचनाएं आए और सभी एक दूसरे से साझा करें और सभी पढ़ें, यही उद्देश्य था। और सबसे बड़ी आज की खुशी की बात है कि श्री राम जी पर लिखी हुई किताब, उनको समर्पित किताब, आज उसका विमोचन हुआ है। और मैं आपको सबको जानकारी दूँ कि यह विविध खंडों में आने वाला है, कम से कम दर्जनों, दो दर्जन किताबें आएंगी। यह भारतवर्ष महाकाव्य खंड एक है, दूसरी किताब आ रही है श्री कृष्ण पे, तीसरी अशोका पे आ रही। तो जितने महापुरुष हुए भारत सभी पर एक एक केंद्रीय पुस्तक है जिसमें हम चाहेंगे कि उनके जो उदार चरित्र था, उनका चरित्र जो मानव सभ्यता को एक नई सभ्यता बनाया, एक सुसभ्यता बनाया, उसी को लेकर हम इस पर विचार करें और उसी पर स्मरण रखें ताकि सभ्यता, बेहतर सभ्यता के निर्माण में हम साहित्यकारों का भी कुछ योगदान हो। धन्यवाद। साथ में मैं अनुरोध करूंगा भगत सिंह जी से, वो बहुत दूर हरियाणा से आए हुए हैं,
ये सुशीला सैनी जी की रचना है, इसमें ग्लोबल साहित्य मंडली में वो आ नहीं सकती है, उनके उनको पुस्तक दी जानी है जी। आइए स्वागत, आइए चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले जो हमारे अवार्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगी, रक्षा जी पर जोरदार तालियों के साथ आ जाएं स्टेज पर। इनके बारे में मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देती हूँ और इनका अवार्ड प्लीज दिया जाए। मैं हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी दिव्या रश्मि दूधिया को, जिनको हम नेशनल लिटरेरी अवार्ड दे रहे हैं जोरदार तालियों के साथ, बट इनको हम ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन देंगे। नेक्स्ट हमारे बीच है शुभम शंकर, जिनको हम यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड दे रहे हैं। शुभम शंकर आज के हमारे बीच जोरदार तालियों के साथ एवरीवन, इनको हम यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड दे रहे हैं। इनके बिजनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। शिक्षा वर्ड्स इज वन स्टॉप एड टेक कॉल सॉल्यूशन केटरिंग टू द प्रिपरेशन नीड्स ऑफ CUET एस्पायरेंट्स। Siksha World is an educational movement rather than a business model and has made quality education equally accessible and affordable to pioneer tech-enabled innovation. Zordar taaliyon ke saath swagat kar rahi hu everyone. Next, main bulane wali hu stage par Dr. Deepti, jinko jo head of department hai Hindi ki Hindu College Amritsar se, जिनको हम नेशनल लिटरेरी अवार्ड दे रहे हैं जोरदार। बहुत अच्छा काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर रविंद्र साहू जी, राष्ट्रीय सेवा श्री से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं मिस्टर रविंद्र साहू जी। और इसके बाद जो सुबह से लेकर के अभी तक पूरा का पूरा मंच संभाल रहे हैं, पूरा इवेंट संभाल रहे हैं, उनको मैं देख रही हूँ, उनको मैं स्टेज पर बुलाने वाली हूँ। डॉक्टर सुरेश जी भारत सेवा रत्न, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जैसे कि मैं डॉक्टर सुरेश जी के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगी कि इनको डॉक्टर सुरेश सिंह शौर्य कहते हैं। इस दुनिया में ये कवि के साथ साथ लेखक विचारक भी है। इन्हें लोक सेवा कार्य के हेतु ऑलरेडी डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से एक बार इस बात पर। और अब मैं स्टेज पर बुलाने वाली हूं हमारे अगले अवार्ड के लिए रक्षा। आज मैं स्टेज पर आई थी, आपको अवार्ड मिल चुका है। पीयूष सिंह जी को भी अवार्ड आई थी मिल चुका है। पीयूष सिंह जी को मिल गया नहीं अभी। प्रशांत जी आ जाए स्टेज पर। पीयूष सिंह जी को अवार्ड नहीं मिला है। नीरज चौधरी नीर विगत 20 वर्षों से अपनी माता की प्रेरणा से हर विषय पर कविता कहानियां पत्र पत्रिकाओं में निम्नलिखित रूप से लिखते आ रहे हैं, जहां इन्हें इनकी भाषा सहज एवं सरल है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां दीजिए।
अरुण प्रताप तैयार रहे और उसके बाद अरुण प्रताप जी, डॉक्टर अरुण प्रताप जी तैयार रहे। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण प्रताप जी। इसके बाद ऋतु अस्तूजा जी तैयार रहे। इसके बाद ऋतु और सूजा जी तैयार है। एंड इसके बाद लक्ष्मी अग्रवाल जी तैयार है। ऋतु और सूजा जी जहां भी हूं आ जाए। और उसके बाद लक्ष्मी अग्रवाल जी तैयार है। समीर भाटिया जी तैयार रहे। लक्ष्मी अग्रवाल जी, उसके बाद समीर भाटिया जी, कुमार जी तैयार रहे। इसके बाद डॉक्टर राजेश कुमार जी। इसके बाद खुशबू कुमारी जी तैयार रहे। राजेश जी हैं, राजेश कुमार मंगला। खुशबू कुमारी जी, इसके बाद डॉक्टर सुषमा जी तैयार है। डॉक्टर सुषमा जी हैं क्या हमारे बीच? डॉक्टर सुषमा जी, डॉक्टर सुषमा। इसके बाद डॉक्टर किरण जी, डॉक्टर किरण जी आ जाए। उसके बाद मणि प्रभा त्रिपाठी जी, मणि प्रभा त्रिपाठी जी। उसके बाद उमा शंकर जी, जोरदार तालियों के साथ उमा शंकर जी क्या है हमारे बीच। उसके बाद श्रीकांत तैलंग जी के बाद देवी राम जी जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी तैयार रही। डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी, उसके बाद आर्यन प्रकाश सिंह जी तैयार रही। आर्यन प्रकाश सिंह जी तैयार रहे। आई थिंक ओके मानव का भी हो गया राइट। देवेश भी हो गया। इसके बाद प्रशांत कुमार जी, भावना मिश्रा जी, प्रशांत जी के बाद भावना मिश्रा जी, नव्या ओके, तहुरा नारज नाच आ चुकी है हमारे बीच। इसके बाद महक चावला जी तैयार हैं। कोई नहीं, इनको दे दो पहले, इनको दे दो पहले। तहुरा नाच जी देखिए इधर सर। इसके बाद महक चावला जी आ जाए। और उसके बाद रेखा चौरसिया जी हो चुकी है। गीता शर्मा जी आ जाए हमारे बीच।
और अब मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर हमारी कम्युनिकेशन मैनेजर महक चाचा जी, जोरदार ताली के साथ एवरीवन। महक चावला जी आ चुकी हैं। थैंक यू सो मच सर, अब आप अपनी सीट्स ले सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारे बीच कहूं उसका काजल कहूं या लहराता आंचल कहूं उसके विचार कहूं या उसने शबाब कहूं मोहब्बत की सौगात कहूं या सुहाग रात कहूं उसका नाम कहूं या संसार कहूं संसार संसार से मुझे याद आया कि मेरा संसार मेरी रिहाइश दिल्ली में है तो मेरा संसार दिल्ली में है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिल्ली पर कुछ मैं छोटा सा आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। बचपन को साथ रखता हूं जिंदगी की शाम में बचपन को साथ रखता हूं जिंदगी की शाम में उम्र महसूस ही नहीं होती सफर के मकाम में। बचपन को साथ रखता हूं जिंदगी की शाम में उम्र महसूस ही नहीं होती सफर के मकाम में। मैं धैर्य उदार प्रसन्न आनंदित चंचल अधीर मैं हवा हूं पवन हूं सभा हूं हां मैं हूं सभी। क्या बात है, क्या बात है। महाभारत से अंग्रेजों तक अंग्रेजों से आजादी तक खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिल्ली ने बहुत सी घटनाओं को घटते देखा है। खुद को कभी उठते गिरते कभी बसते उजड़ते देखा है। तारीखें बदल गईं, तब्दीले बदल गईं, ना तब तो ताज बचे ना बादशाहत रही मगर दिल्ली की सरजमी पर संस्कारों की शान तहजीब की खान आज भी नजर आती है। यहां मोहब्बत पर हुकूमत करते दिलों की सल्तनत के बादशाह है। यहाँ 11 जिलों और 60 शहरों से परिपूर्ण है दिल्ली आनंदपूर्ण शोकपूर्ण व्यंगपूर्ण विवेकपूर्ण है दिल्ली सम्मानपूर्ण सहयोगपूर्ण तो कभी विवादपूर्ण भी है दिल्ली। कई रंग कई रूप कई वेश कई भाषाएं हैं यहाँ दर्शनीय स्थल भी अनेक हैं। हम दिल्ली के रहने वाले अलग नहीं हम एक हैं। लाल किले की दीवारों से गूंजते एकता के स्वर जब मिलकर छिड़ते हैं हाथों में हाथ लिए कारवा करते हैं। दिल्ली चढ़ाव है दिल्ली उतार है दिल्ली खिजा है दिल्ली बहार है दिल्ली जीत है तो कभी दिल्ली हार है। दिल्ली जामा मस्जिद की आजान है दिल्ली मंदिर में बजती घंटियों की पुकार है दिल्ली गिरजाघर में मिलकर की गई उपासना है दिल्ली गुरुद्वारे में की गई आराधना है। दिल्ली लाल किले की ऊंची दीवार है दिल्ली कारोबार है दिल्ली व्यापार है दिल्ली चांदनी चौक चापी बाजार है दिल्ली में सांसद विधायक राजनेता है दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय है केंद्रीय सचिवालय है। दोस्तों ये दिल वालों की बस्ती है यहाँ दिलों में जान बस्ती है दिल्ली की नींव पुरानी है ये हिंदुस्तान की राजधानी है।
प्राचीन शैली से घुमावदार करती वो गलियां हैं यहाँ, पुराने बाजारों की रंग रलियां हैं यहाँ, 175 राष्ट्रीय धरोहर स्थल भी हैं, पारंपरिक मूल्यों की जुबानी है यहाँ। ये दिल्ली की कहानी है, ये दिल्ली की कहानी है। मेरी दिल्ली इमारतों की पहचान भी है, संस्कृति और विरासत की खान भी है, सारे विश्व में इसका नाम भी है। सफदरजंग का मकबरा, उधम खान का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, दिल्ली में है महत्वपूर्ण इमारतों की बहुत बहुत आंकड़ा। हर इमारत दिल्ली की मानी जानी है, ये दिल्ली की कहानी है। राष्ट्रपति भवन हो या केंद्र सचिवालय, राजपथ हो या फिर सांसद कार्यालय, राजनीतिक उथल पुथल गवाह है यहाँ, राजनेताओं को नागरिकों की परवाह है यहाँ। विजय चौक हो या इंडिया गेट, पुरानी दिल्ली में दौलत की चाट की प्लेट, चांदनी चौक की तंग गलियों से लेकर साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों तक है हर जगह यहाँ जायके का भंडार। घरेलू सामान से लेकर ज्वेलरी तक, स्टेशनरी हस्तशिल्प से लेकर कुलचे भटूरे कचौड़ी समोसों तक, लाजपत नगर में मूलचंद का पराठा, चावड़ी बाजार में पूरी आलू का बोलबाला, यहाँ स्ट्रीट फूड से लेकर विदेशी कुजीन, चाइना से बेहतर है दिल्ली में चाउमीन। ये दिल्ली की मुंह में पानी है, ये दिल्ली की कहानी है, ये दिल्ली की। नॉर्थ ईस्ट चंपत या ईस्ट वेस्ट को तीन मूर्ति नेशनल स्टेडियम या सफदरजंग एयरपोर्ट, ये सब एडवेंटर्स ने निर्माण किया था। दिल्ली रिच का जंगल हो या लोधी गार्डन, कनॉट प्लेस हो या प्रेसिडेंट स्टेट का मुगल गार्डन, ये सब एडवेंटर्स ने निर्माण किया था, दिल्ली को वरदान दिया था। ये मेरी दिल्ली की कहानी है। जिस समय रिक्शा टोंगा फटफटी पर सवारी थी, उस समय दिल्ली कितनी सीधी साधी थी, प्राचीन शैली की वास्तुकला है यहाँ, बाहर पर पर्यटक आकर्षण है यहाँ, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास भी नहीं है, यहाँ उच्च विचारों की गवानी है। ये दिल्ली की कहानी है। रीति रिवाजों परंपराओं का संगम है यहाँ, गली गली त्योहारों पर कीर्तन भजन है यहाँ, सत्य हमेशा जीवित रहे तभी अलग निरंजन है यहाँ, साधु संतों की तपस्याओं की वाणी है, ये दिल्ली की कहानी है। दोस्तों, मैं दिल्ली का साधारण नागरिक हूँ, राजनीतिक आर्थिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक हर एक दृष्टि से सभी मूल्यों से मानवीय हूँ। मैं दिल्ली का एक नागरिक, बहुत ही साधारण नागरिक हूँ। देश विदेश को जिस पर है अभिमान, वो शहरों में शहर है दिल्ली मेरी जान, सशक्त ऐतिहासिक है यहाँ का गुणगान, वो शहरों में शहर है दिल्ली मेरी जान, यहाँ शक्तिशाली सम्राटों का शासन था, बड़े बड़े योद्धाओं का सिंहासन था, इतिहास महाभारत जितना पुराना है यहाँ, इंद्रप्रस्थ पांडवों का लहराता पंचम था, हुमायूं का मकबरा या इंडिया गेट यहाँ, और कई ऐतिहासिक इमारतों के आकाश, निजामुद्दीन औलिया की पारंपरिक दरगाह या लाल किले जंतर मंतर कुतुब मीनार, जामा मस्जिद हो या चांदनी चौक, दिल्ली दर्शन करें जिन्हें घूमने का शौक, यहाँ खाना पीना वाह भाई वाह, यहाँ त्योहारों में झूमना वाह भाई वाह, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी यहाँ पर, आम आदमी से लेकर उद्योगपति भी यहाँ, ये भूमि जानी मानी है, ये दिल्ली की कहानी है। हमारा ये शहर, इसकी संस्कृति और परंपरा समस्त विश्व में चर्चित, इसकी महत्वपूर्णता, दिल्ली छोड़ के जाना हमें मंजूर नहीं, हर दृष्टि से उत्तम शहर है ये, अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं। रचनाओं के माध्यम से दिल्ली का परिदृश्य दिखाया, बहुत ही बेहतरीन। और इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रेखा चौरसिया जो मिर्जापुर से आई हैं, और उनकी बेटी को एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी।
पावन धरा पर सुख चिंतन का सार अयोध्या, पावन धरा पर सुख चिंतन का सार अयोध्या, सकल विश्व सनातन धर्म का आधार अयोध्या, है वंदन राम का संकल्प मेरी शान अयोध्या, अंधेरों में जो बिखरा दे उजालों सी है अपरंपार अयोध्या। मेरी गति रफ्तार हाँ वेदों का है सार अयोध्या, है धर्म से वर्चस्व के भी पार अयोध्या, है धर्म से वर्चस्व के भी पार अयोध्या, जिसके ऋणों के पाप का संघार अयोध्या, है सीता साथ जिनके प्रहर आठों याम अयोध्या, करें अब बात लक्ष्मण भ्रात सेवा ग्राम अयोध्या, करें अब बात लक्ष्मण भ्रात सेवा ग्राम अयोध्या, प्रभु श्री राम बैठे हैं सिंहासन कोई वरदान अयोध्या, प्रभु श्री राम बैठे हैं सिंहासन कोई वरदान अयोध्या। कभी कुल करे जब गान पुराणों का है अभिमान अयोध्या, पुराणों में वर्णित सुनाते यशगान अयोध्या, रघुकुल का है मान रावण युद्ध का संग्राम अयोध्या, रहते जहां श्री राम बसते वही हनुमान, कर लो इन्हें प्रणाम ब्रह्मांड का अभिमान, हाँ जीत लो अब विश्व पर चम करो सिंहनाद अयोध्या, हाँ जीत लो अब विश्व पर चम करो सिंहनाद अयोध्या। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र की जय।